पिछौर के नगरिया कॉलोनी में 50 वर्षीय अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे मौके पर ही अधेड़ की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के बेटे और बहू ने जब अपने पिता के कमरे में दूर से देखा तो पिता सोते हुए नजर आए। मृतक के बेटे ने बताया कि सुबह जब मैं पिता के कमरे में पहुंचा तो देखा कि बिस्तर पर खून बिखरा हुआ था, तब जाकर मैंने पुलिस को फोन लगाया। मामले में SDOP दीपक तोमर ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ में ही आई, हमको लेके आई पुलिस। हम थाने पहुंचे तो लगभग 6 बजे सुबह। छः बजे जी तुरंत आपने पुलिस को फोन किया कि पड़ोसी? हम तुरंत थाने में पहुंचे, जब 6 बजे देखा तो पुलिस ने मदद की। हम पुलिस मेरे साथ आई, मुझे लेके आई पुलिस थाने से। तो सुबह सूचना मिली थी नगरीय कॉलोनी में, हत्या संबंधी सूचना दी थी पुत्र ने, अंकित गुप्ता ने, कि उनके पिताजी की हत्या हो गई है। तो सूचना पर यहाँ थाना प्रभारी और अन्य थाना प्रभारी सभी हम लोग आए हैं। FSL अधिकारी साहब भी, उनको भी बुलाया। बाकी यहाँ जांच कर रहे हैं, विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे।